मंत्री जी, कर्नाटक चुनाव जो हुए, जिस तरह से कांग्रेस की जो एक बड़ी बढ़त और जो सरकार बनती बन रही, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी की जीत होती तो अन्य राज्यों में भी जीत होती। ये वहाँ के मास लीडर सिद्धार्थ मैया, उनके परिश्रम की है, लेकिन जनता का जो निर्णय है वो हमें सरोधार है। निश्चित तौर से हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, मीमांसा करेंगे, कहाँ गलतियाँ रहीं, कहाँ कमियाँ रहीं, और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जिसको लेकर जो है भाजपा एकदम? कर्नाटक का इतिहास जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि वहाँ सरकारें हमेशा जैसे तवे पे रोटी पलटी जाती है, ऐसे वहाँ सरकार पलटते हैं। लेकिन मैं याद करूँ, अगर 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, यूपी में 85 MP बने, इंदिरा जी और संजय को भी हारना पड़ा था, लेकिन कर्नाटक में तब भी कांग्रेस थी। लेकिन ये क्या कम है कि दक्षिण भारत, दक्कन, जिसको कभी दिल्ली वाले जीत नहीं पाए थे, औरंगजेब का बड़ा कार्यकाल वहाँ निकला, लेकिन आज हमारा वोट परसेंटेज बहुत बड़ा है। आज केरल में हमारी पार्टी को वोट मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, आंध्रा में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, MLA जीत करके आ रहे हैं, और कर्नाटक में भी। तो ये जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ये, जो जनता का निर्णय होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे, क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ा है? देखिए, राहुल गांधी स्वयं उत्तर प्रदेश में अपना अमेठी से चुनाव हारे हैं, और कांग्रेस का केवल 1 MP उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश देश का 7वां राज्य है, दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, यूपी में वो अपना चुनाव हारे, और उनको लग रहा था वो हारे इसीलिए वो केरला गए थे। तो ये राहुल गांधी तो एक नकार दिया गया जनता ने, ये स्थानीय मुद्दों को लेकर के वहाँ पर चुनाव हुआ।